हाय, दिस इज केतन फ्रॉम आईडीसी। दोस्तों, एप्पल ने ऑफिशियल iOS 18 के बाद फर्स्ट iOS अपडेट रिलीज कर दिया है, जो कि है iOS 18.0.1 और ये मेरे iPhone 16 पे अराउंड 495 MB का देखने को मिलता है। अपडेट से पहले मेरे iPhone 16 पे अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 54 GB थी, जो कि अपडेट के बाद स्लाइट बढ़ के 55 GB के अराउंड हो गई है। दैट मीन्स इस वाले अपडेट के बाद आपकी अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ने वाली है और इस वाले अपडेट के साथ आपको कोई भी नया मॉडेम फॉर्म में देखने को नहीं मिलता। नाउ ये देखते हैं आपको iOS 18.0.1 अपडेट के बाद अपने आईफोन में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप ओल्ड iOS यूजर हो तो आपको पता ही होगा कि जब भी एप्पल 0.01 या फिर 0.02 अपडेट रिलीज करता है तो जनरली बग फिक्सेस के लिए ही होता है और एग्जैक्टली iOS 18.0.1 के साथ भी बिल्कुल सेम ही है। ये वाला अपडेट एप्पल ने इनिशियल iOS 18 के अपडेट फिक्स करने के लिए रिलीज किया है और अगर आप iOS 18.0.1 के रिलीज नोट चेक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज का फिक्स मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे सबसे पहला इश्यू है आपके आईफोन का टच स्क्रीन समटाइम्स अनरिस्पॉन्सिव बन जाता था और स्पेशली ये इश्यू आईफोन 16 सीरीज में ज्यादा आ रहा था और पर्सनली मैंने भी सेटिंग एप्लीकेशन को कई बार अपने आईफोन 16 एज वेल एज अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में अनरिस्पॉन्सिव फील किया था। तो ये वाला जो मेजर बग था एप्पल ने iOS 18.0.1 के साथ फिक्स कर दिया है। इसके अलावा एप्पल ने कैमरा रिलेटेड इश्यू iOS 18.0.1 में फिक्स किया है, जहाँ पे जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज कर रहे थे और मैक्रो शॉट 4K में लेने का ट्राई कर रहे थे तब आपका कैमरा फ्रीज हो रहा था और ये बहुत सारे यूजर ने रिपोर्ट किया था, तो वो वाला इशू यहाँ पे फाइनली एप्पल ने iOS 18.0.1 के साथ फिक्स कर दिया है। दूसरा एक इशू एप्पल ने iOS 18.0.1 में फिक्स किया है वो है एप्पल वॉच रिलेटेड, जहाँ पे अपने एप्पल वॉच का कोई सा भी वॉच फेस आई मैसेज एप्लीकेशन के थ्रू शेयर कर रहे थे तो आपका आई मैसेज एप्लीकेशन क्रैश हो रहा था, तो वो वाला इश्यू यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया है। नाउ जैसा कि हमें पता है iOS 18 अपडेट के बाद बहुत सारे आईफोन मॉडल्स में ओवरहीटिंग का इशू हो रहा था, परफॉर्मेंस का इशू हो रहा था, स्पेशली आईफोन 13 आईफोन 15 का हाल तो बहुत बुरा हो गया था, तो वो वाला इशू यहाँ पे एप्पल ने एड्रेस करने का ट्राई किया है और अगर हम रिलीज नोट चेक करेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी है परफॉर्मेंस में इंपैक्टेड ड्यू टू एन इश्यू मेमोरी एलोकेशन टू सम आईफोन मॉडल्स। दैट मींस वो वाला इश्यू यहाँ पे एप्पल ने एड्रेस कर दिया है, तो भी अगर आपके आईफोन में ओवरहीटिंग का इशू था तो इस वाले अपडेट के साथ वो इश्यू फिक्स हो गया होगा। इसके अलावा आपके आईफोन का परफॉर्मेंस भी इस वाले अपडेट के बाद इंक्रीज होने वाला है। नाउ एप्पल ने इस वाले अपडेट के बाद परफॉर्मेंस बूस्ट क्लेम किया है, उसको चेक करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench स्कोर में जाके CPU हिस्ट्री चेक करें तो एज यू कैन सी iOS 18 के कंपेयर में iOS 18.0.1 में बोथ सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर स्कोर इंक्रीज हो चुका है। दैट मींस यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट तो डेफिनेटली हुआ है। नाउ हमें ये देखना है कि इस वाले अपडेट के बाद आपके आईफोन का ओवरहीटिंग का इश्यू फिक्स हो रहा है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा बिकॉज 2 दिन के बाद मैं आपको iOS 18.0.1 का फॉलो अप वीडियो दूंगा और उसमें बताऊंगा कि इस वाले अपडेट के बाद आपके आईफोन का ओवरहीटिंग का इश्यू एज इट इज है या फिर एप्पल ने इसको फिक्स कर दिया है। तो अगर आपको अपडेट करने की कोई जल्दी नहीं है तो आप मेरे फॉलोअप वीडियो के लिए रुक सकते हो। सो नाउ हम iOS 18.1 का नेक्स्ट बेटा कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो क्या हमें iOS 18.0.2 भी देखने को मिलेगा? तो अगर एप्पल iOS 18.0.1 में कोई मेजर इश्यू डिटेक्ट नहीं करता है तो फिर आपको iOS 18.0.2 अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस वाले अपडेट में एप्पल कोई मेजर इश्यू डिटेक्ट करता है तो फिर आपको iOS 18.0.2 भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा iOS 18.1 का पब्लिक बेटा 3 एंड डेवलपर बेटा 6 आपको नेक्स्ट वीक 7th या फिर 8th अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। एप्पल जब भी ये अपडेट रिलीज करेगा आपको सबसे पहला हिंदी वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या आपको iOS 18.0.1 अपने आईफोन में इंस्टॉल करना चाहिए अभी नहीं? तो डेफिनेटली अगर आपका आईफोन iOS 18 अपडेट के बाद ओवरहीट हो रहा है या फिर आपको उस अपडेट के बाद बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रहा है तो आप इस वाले अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप रुक सकते हो तो 2 दिन रुक जाइए, मैं आपको इस अपडेट का एक फॉलो अप वीडियो दूंगा जो मेरा iOS 18.0.1 पे रिव्यू होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे मिलने वाली है, आपका आईफोन ओवरहीट होता है या फिर नहीं और उसके बाद आप अपने आईफोन में iOS 18.0.1 को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और iOS 18 के अपकमिंग अपडेट के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल आई डिवाइसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।